पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। आपके अपने विद्यालय परिवार सेठ राम विलास इंटरमीडिएट कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 पढ़ाया था और आपको मैंने कुछ वर्क भी दिया था, बोला था कि कुछ वर्क आपको कर आना है। तो आप लोग यदि कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को फंसे, कठिन लगे, तो आप लोग तुरंत मेरा नंबर है संपर्क किया करें या तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट किया करें, तो मैं देख लूंगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 1.3 कक्षा 8। तो उसमें प्रश्नावली 1.3 पढ़ने से पहले आप लोगों को परिमेय संख्याओं के योग के बहुत सारे नियम हैं, उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। और प्रश्नावली 1.3 में संवरक प्रगुण है, प्रगुणों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको परिचित करा देते हैं कि इसमें संवरक के गुणधर्म क्या हैं, परिमेय संख्याओं के योग के गुणधर्म क्या हैं, उसके बारे में। तो चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्नावली 1.3 कक्षा 8 में। सबसे पहले प्रश्नावली 1.3 को जानने से पहले परिमेय संख्याओं के योग के गुण को जानना जरूरी है। तो परिमेय संख्याओं के योग, सबसे पहले परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या उन संख्या को कहा जाता है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्या हो गई, इनका योग, योग मतलब जोड़, परिमेय संख्याओं का जो जोड़ करते हैं तो उनका गुणधर्म जो है आपको बताना है। तो संवरक गुण क्या होता है, संवरक गुण इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा होता है क्रम विनिमेय गुण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा होता है साहचर्य गुण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा होता है शून्य का गुणधर्म, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो साथियों, ये है आपका परिमेय संख्याओं के योग के गुणधर्म। तो हम सबसे पहले एक एक करके सबकी डिफिनेशन बताते चलेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं संवरक गुण से आपको सॉल्व करके बताने जा रहा हूं एग्जांपल के सही। यदि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो प्रश्नावली 1.3 आपको नहीं आएगी, इसलिए सबसे पहले इसे समझने की आप लोग कोशिश। संवरक गुण की ओर, तो योग का जो संवरक गुण होता है, संवरक गुण क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि संवरक गुण क्या होता है। ध्यान रखना, यदि आपके पास दो परिमेय संख्याएं हों, यदि दो परिमेय संख्याएं, यदि दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं संख्याएं एक हो पी बटे क्यू, एक हो पी बटे क्यू और पी बटे क्यू और आर बटे यस और आर बटे यस हूं, तो उन दोनों का योग हो, तो उन दोनों का योग ही संवरक गुण के नाम से जाना जाता है। योग ही संवरक गुण के नाम से, गुण के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, संवरक गुण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना साथियों, यदि आपके पास में, मान लीजिए, ठीक है, यदि अगर आपके पास में दो परिमेय संख्याएं हों, पहली हो पी बटे क्यू और दूसरी हो आर बटे यस, तो उन दोनों का योग ही संवरक गुण के नाम से जाना जाता है। जैसे पहली थी आपकी, पहली है पी बटे क्यू प्लस इसी में आर बटे यस को जोड़ दीजिए, तो आर बटे यस को जोड़ देंगे, यही क्या कहलाएगा, यही आपका हो गया क्या, यही आपका हो गया संवरक गुण। कौन सा गुण, संवरक
यही आपका हो गया संवरक गुण। इसका एग्जाम्पल भी लेकर के बता देता हूं। जैसे है मान लीजिए आपके पास में है 5/6, पी बटे क्यू की जगह 5/6 है, आर बटे यस की जगह 8/ मान लीजिए 6 है। निश्चित नहीं है कि हर आपस में समान हो, मैं सरलता के लिए ले लिया हूं, ठीक है। अब इन दोनों का योग कर दो तो आपस में हर समान है, ऊपर के अंश अंश जुड़ जाएंगे, 8 × 5 = 13 हो जाएगा, 13/ कितना 6, यही आपका आंसर हो गया। यदि अगर पूछे कि इन परिमेय संख्याओं में अर्थात इन परिमेय संख्याओं के योग में कौन सा गुण लागू हुआ, तो आप बताएंगे संवरक गुण लागू हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर लागू हुई। तो बच्चों ये रहा आपका संवरक गुण, कौन सा गुण, संवरक गुण, ठीक है। मैं अगले दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ता हूं। इसे तो परिमेय संख्याओं के योग के गुण में दूसरा नंबर क्रम विनिमेय गुण। क्रम विनिमेय गुण जो होता है इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्रम विनिमेय गुण क्या होता है ध्यान रखना, जैसे जैसे आपके पास में अभी मैंने बताया एक परिमेय संख्या पी बटे क्यू हो और दूसरी क्या हो आर बटे यस हो, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो आपका संवरक गुण बन गया था, कौन सा गुण, संवरक गुण बन गया था। यदि इसी का क्रम बदल दिया जाए, मतलब इसको इधर कर दीजिए उसको उधर, मतलब R बटे यस प्लस पी बटे क्यू, तो यही अर्थात दो परिमेय संख्याओं की जोड़ के समय उनके क्रम को आपस में बदलना, विनिमेय करना, बदलना, ठीक है, क्रम को बदल करके किसी संख्या को जोड़ना ही क्या कहलाता है, क्रम विनिमेय, मतलब क्रमों को आपस में पलट देना, समझ गए। चाहे 5 में 3 जोड़ोगे तब भी 8 आता है और 3 में 5 जोड़ोगे तब भी 8 आता है, ठीक। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्रम विनिमेय गुण कहलाती है। यदि दो परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याएं P बटे क्यू तथा R बटे यदि दो परिमेय संख्याएं P बटे क्यू तथा R बटे यस को क्रम बदलकर योग करने की प्रक्रिया, योग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रम विनिमेय कहलाती है। समझ पाए, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी मैंने कहा एक परिमेय संख्या है पी बटे क्यू, दूसरी है आर बटे यस, इन दोनों को जोड़ना और फिर इनके क्रम को बदलकर जोड़ दो, आर बटे यस को पहले लिख दो और पी बटे क्यू को बाद में लिख दो, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया क्रम विनिमेय कहलाती है, समझ गए। कम्यूटेटिव, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, समझ पाए ना आप लोग, ठीक। तो यही हो जाएगा आपका क्या, क्रम विनिमेय गुण। मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं साथियों, समझना ध्यान से, इसका एक एग्जांपल लेता हूं और आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। जैसे आपके पास में हो 5/3 प्लस 2/6, अब इन्हें ऐड करना और या तो फिर इन्हीं के क्रम को बदल दो, इसको पहले कर दो इसको बाद में, तो 2/6 को पहले कर दो और 5/3 को बाद में कर दो, दोनों का करना योग ही है, तो बच्चों दोनों का अंतर आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्रम विनिमेय।
यदि दो परिमेय संख्याओं को योग करते समय उनके स्थान को राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में करके योग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्रम विनिमेय गुण कहलाती है। समझ पाए इसके एग्जांपल से? समझ गए? आगे चलते हैं। जिनके समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका आता है तीसरा नंबर साहचर्य गुण। साहचर्य मीन्स क्या होता है? साहचर्य, साहचर्य का अर्थ है बच्चों योग, योग का गुण। ध्यान रखना यदि अगर आपके पास में तीन परिमेय संख्याएं हो, कौन कौन सी? मान लीजिए एक आपके पास में है पी क्यू, दूसरी है आर बटे एस, तीसरी है टी टी बटे यू। अब इन तीनों का बच्चों योग कर दीजिए। क्या करिए? योग। तो यदि योग कर दें, दो को अंदर कर दीजिए, एक को बाहर, और फिर इन्हीं को एक को अंदर एक को बाहर कर लो, पी बटे क्यू को बाहर कर लो, पी बटे क्यू को बाहर कर लो, प्लस का सिंबल लगा दो, इसको इसको जोड़ दो, ये हो गया आर बटे एस प्लस कौन एस बटे यू। तो एक जो योग होगा इन दोनों के वैल्यू आपस में समान होंगे। मतलब यदि तीन या तीन से अधिक परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है तो वह प्रक्रम साहचर्य गुण के नाम से जाना जाता है। साहचर्य का अर्थ होता है योग, योग का गुण, जोड़ने का गुण। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब तीन या तीन से अधिक, या तीन से अधिक अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो वे किसी भी क्रम में हो सकती हैं। यह क्रम बदलने की प्रक्रिया ही क्रम बदलकर योग करने की प्रक्रिया ही किसके नाम से? साहचर्य गुण, साहचर्य गुण के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना ये जो मैं बता रहा हूं कॉपी पूर्णतया मेंटेन होनी चाहिए सबकी, अदरवाइज स्कूल ओपन होने पर मैं मिलूंगा, कॉपी पूर्णतया सबकी मेंटेन होनी चाहिए, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आने चाहिए, घर पे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, नहीं आता तो बार बार उसे देखें, समझ में आएगा। तो साहचर्य गुण मैंने बताया जब आपके पास तीन या तीन से अधिक परिमेय संख्याएं हों। बच्चों जैसे आपके पास में एक है पी बटे क्यू, दूसरी है आर बटे यस, तीसरा है टी बटे यू। यदि अगर बच्चों दो को एक तरफ करके इनको अलग से जोड़ दिया जाए तो इनका भी वैल्यू, यदि अगर इसको बाहर ले लिया जाए तो पी बटे क्यू को अगर बाहर ले लिया जाए तो प्लस का सिंबल लगाएंगे तो आपके पास बचेगा आर बटे यस और प्लस टी बटे यू। अब यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपका? यही जो गुण है यही गुण आपका कहलाएगा साहचर्य गुण।
मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल में आपका हो गया 5/2 प्लस 3/2 प्लस 2/3। अब बच्चों इसी का योग कैसे करोगे, या तो इसको पहले लिख लो या तो इसको दो में से एक को। तो मैं 5/2 को पहले लिख दे रहा हूं, 5/2 प्लस, अब आपका बचता है क्या 3/2, इन्हें स्मॉल ब्रैकेट में रखिए, 3/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3। बच्चों यदि अगर इनका योग करोगे तो ए वैल्यू और ए वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपका साहचर्य गुण कहलाएगी। समझ पाए, यदि 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याओं का योग किसी भी क्रम में कर दिया जाए तो यह योग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, साहचर्य गुण कहलाती है। कौन सा गुण, साहचर्य गुण, साहचर्य मीन्स योग, योग का गुण, इसे कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ पाए आप लोग, इसे जल्दी से नोट ले रहा आपके स्क्रीन पर। चौथा नंबर, शून्य का गुणधर्म, अर्थात शून्य संख्याओं का परिमेय संख्या के साथ क्या गुणधर्म होता है, इसके बारे में बच्चों ध्यान रखना। यदि किसी भी परिमेय संख्या में, मान लीजिए आपके पास एक परिमेय संख्या है जिसका नाम है p/q, यदि इसी में 0 को ऐड कर दिया जाए, जब 0 को ऐड कर दोगे तो हमारे पास में जो इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू जो मिलेगा वो p/q ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब हमारे ये है, यदि 1/2 में 0 को जोड़ा जाए तो 2 0 हम 0 हो जाएगा, 0 में 1 जुड़ेगा 1 ही हो जाएगा, बटे में 2 है 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यदि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए तो जो मान प्राप्त होता है वह कौन होता है। तो कहने का मतलब है बच्चों ध्यान सुनिए, यदि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को ऐड कर दिया जाए अर्थात जोड़ दिया जाए तो प्राप्त मान वही परिमेय संख्या ही होती है। समझ गए, तो शून्य का गुणधर्म क्या होता है, यदि यदि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए या शून्य को जोड़ा जाए तो प्राप्त मान वही परिमेय संख्या ही होती है, वही परिमेय संख्या, वही परिमेय संख्या ही होती है, ही होती है। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने अभी कहा कि अगर आपको p/q एक परिमेय संख्या है, यदि अगर इसमें शून्य को जोड़ा जाए तो हमारा p/q ही मिलेगा। समझ गए, मतलब किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को ऐड किया जाए तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या ही होगी। एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहा हूं आपको, जैसे बच्चों 1/2 लिखा है, इसमें 0 को जोड़ दो तो देखो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 0 करोगे 2 0 हम 0, बटे कितना है 2, इसको हल करोगे तो 1 में 0 जुड़ेगा कितना होगा 1, बटे कितना 2, तो वही परिमेय संख्या प्राप्त हुई ना, कौन सी 1/2 में ही तो आपने 0 को जोड़ा था, तो आपका जो प्राप्त मान हुआ वही परिमेय संख्या ही हुई। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करिए आप सब आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न 1.3 का कर रखा है परिमेय संख्याओं का योग पर साहचर्य नियम का प्रयोग करते हुए, साहचर्य मतलब योग जोड़ना है ना, साहचर्य नियम का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए, किस नियम का पालन करते हैं, साहचर्य नियम का। बच्चों इसे सिर्फ स्थान भरना है, खाली स्थान सामने भरना है, हल नहीं करना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने अभी क्या बताया था साहचर्य का नियम क्या होता है, जैसे p/q हो प्लस r/s हो, ये दो एड हो, ठीक है, और प्लस क्या हो जाए आपके पास में ए t/u हो, तो आप इसको कैसे करते थे, आपने कहा इसको और इसको जोड़ लीजिए, मतलब एक को बाहर कर दीजिए, उसी तरह से इसको कर लीजिए। तो करेंगे क्या,
देखो 11/29 पहले से है, एक ब्रैकेट लगाइए, खाली स्थान यहाँ दिया है, यही भरना है आपको। 11/29 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस 6/19 को बाहर कर लो, ये बाहर आएगा इसमें, तो माइनस 6/19 हो जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट करेंगे, प्लस है, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 8/11 कहाँ चला जाएगा, बाहर। यही आपका क्या है आंसर। बस ये रहे आपके स्क्रीन पर पहले का, पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, छह क्वेश्चन हैं प्रश्न संख्या 6 में। इसमें से पहला मैंने बता दिया, एक मैं और बता दे रहा हूं आपको दूसरा, ठीक है। कैसे करेंगे, यही खाली स्थान इसकी जगह भरना है, तो इसको इरेज कर देता हूं। फिर लिखा है माइनस 2/5, ठीक है। अब इसमें इसमें आपको करना क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, माइनस को यहां लिख करके इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं, प्लस। अब बच्चों मैंने बताया था इसमें से एक को ले लो इधर, मतलब क्रम का बदल देना, ठीक है। तो ये हो गया 11/5 कितना 5, इसको ऐड कर लीजिए, प्लस क्या बचा माइनस 3/4, तो माइनस 3/4 को अलग से लिख दीजिए, माइनस 3/4। यही क्या हो गया आपका, यही क्या हो गया साहचर्य नियम का प्रयोग, रिक्त स्थान आपका भर गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये आप स्वयं करेंगे, किताब नहीं है तो परेशान मत होइए, सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसे आप राइट करें और घर से करें, कॉपी पूर्णतया मेंटेन रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं सारे कोर्सेस कंप्लीट होने चाहिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्रम विनिमेय का नियम प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मैंने अभी आपको प्रश्नावली 1.3 बताने से पहले मैंने आपको क्रम विनिमेय बताया, क्रम का विनिमेय आदान प्रदान, मतलब क्रमों को पलट देना। जैसे दो भिन्न संख्याएं होती थी, उन्हें आप जोड़ देते थे, एक को दाएं तरफ, एक को राइट होती है, एक लेफ्ट, तो एक को लेफ्ट एक राइट कर देते थे, उसी तरह से ही है। जैसे माइनस 11/29 है, प्लस माइनस 6/31 है, आपको इसका क्रम विनिमेय निकालना है, यहाँ भरना है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, माइनस 6/31 को। देखो क्रम को ही पलट देना है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में, प्लस का सिंबल लगाएंगे, माइनस 11/ कितना 29, माइनस 11/29। फिर आपका आ जाता है दूसरा नंबर, क्रम विनिमेय, क्रम को पलट देना है, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसको, किसको, 18/23 को, प्लस इसको लिख लेंगे, इसको माइनस 15/ कितना 19 को। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ध्यान रखना इसमें आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा बचा हुआ है, इसको आप घर से करेंगे, बहुत सिंपल है, क्रम विनिमेय ही करना है, क्रम को पलट देना है, जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में है उसको पहले, यही क्रम विनिमेय कर देना है और कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर आपका समाप्त होता है, ठीक है, नोट कर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3, कह रखा है बच्चों यदि a बराबर 4/5 हो तथा b बराबर किसके, b बराबर 3/-7 हो, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर b प्लस a होता है। मतलब किसका नियम है, क्रम बदला है ना, देखो पहले a प्लस b था, फिर b को पहले, a को बाद में, इसका क्रम विनिमेय है, तो आपको सिद्ध करना है। हल करेंगे, हल सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि, ध्यान रखें आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, यही ना। तो बच्चों सबसे पहले a का मान रख दीजिए, a, a का मान कितना है 4/5, 4/5 प्लस b, b का मान कितना है 3/-7, इसको रखेंगे 3/-7 बराबर। अब ध्यान दीजिए यहां b है, तो b का मान कितना है 3/-7, सबसे पहले लिखेंगे 3/-7, 3/-7। अब प्लस, प्लस का सिंबल लगाएंगे, a, a का मान कितना है 4/5, a की जगह रखेंगे कितना 4/5, ठीक है, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 4/5 प्लस माइनस, यहाँ माइनस है ना, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा 3/7। अब बराबर का सिंबल लगाएं, यहां देखो 3/-7 है, माइनस को ऊपर लिख दें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो माइनस 3/7 प्लस 4/5। अब इसको हल करिए, 5 और 7 का लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा 35, कितना होगा
35 होगा, फिर 5 से भाग देंगे आप 35 में, 5 सत्तर 35, 7 बार गया, 7 का गुणा करेंगे 4 में, 7 चौक 28 हो गया, माइनस 7 से भाग देंगे 35 में, 7 पचे 35, 5 बार गया, 5 का गुणा 3 में, 5 तिहाई 15 हो गया। उसी तरह से इधर भी देखो, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 7 5 का एलसीएम भी 35 होगा यहां भी, ठीक है। अब 7 से भाग देंगे 35 में, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 तिहाई 15, लेकिन पहले माइनस लगा है इसलिए हो जाएगा माइनस 15, प्लस है प्लस लगाएंगे, 5 से भाग देंगे 35 में, 5 सत्तर 35, 7 बार गया, 7 का गुणा 4 में, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, फिर मैं इधर कर दे रहा हूँ इसको, इस पूरे को इधर कर दे रहा हूँ। अब बच्चों 28 में से 15 को घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 13, कितना 13 बटे कितना है बच्चों 35, 13 बटे 35 बराबर। अब देखो माइनस 15 में से 28 को घटाओगे, 28 बड़ा है इसलिए प्लस आएगा, तो 28 में 15 घटेगा कितना बचेगा 13, कितना 13 बटे कितना है बच्चों 35। तो देखो आपके वाला जो दिया गया था ये आपका सिद्ध हो गया ना, यही आपका क्या है आंसर। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन ध्यान रखना आप लोग पढ़ करके आइएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए, ताकि मैं आपके लिए हर दिन न्यू क्लास लेकर के आ सकूं। आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन ध्यान रखें मन लगा करके पढ़ना है, नोटबुक्स बनाना है, ज्यादा से ज्यादा समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखिए, ना आए तो मेरे पास कमेंट करिए, आप कमेंट करके बताइए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग संपर्क करें, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक्स।